हेलो एवरीवन, आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए ही एक स्मॉल कैप है। बट अगर आप उसका परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस देखोगे तो वो आपको किसी मिड कैप या लार्ज कैप से कम नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो उसके पीयर्स जो मिड कैप और लार्ज कैप में प्रेजेंट है। तो वो कंपनी है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। तो वेल्सपन कॉर्प का अगर आप देखोगे मार्केट कैप 3,510 करोड़ है, जो कि ये एक स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट करता है। करंट ट्रेडिंग प्राइस इसका 134 रुपीज़ के करीब है। हाई एंड लो जो कि इसने एक साल पे लगाया है वो है 166 रुपीज़ हाई, 99 रुपीज़ लो। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखना चाहो तो इस कंपनी का स्मॉल कैप के नज़रिए से डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, जो कि है 3.72%, लगभग 4% के करीब। फिर अगर आप इसका बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू है 145 रुपीज़। तो अभी जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है इसका वो बुक वैल्यू से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिंस स्मॉल कैप है तो इसमें अभी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है ट्रेडिंग में, तो इसलिए ये अपने बुक वैल्यू से कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं 5.28 है, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही अंडर वैल्यूड है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, जो कि 15% से काफी ऊपर है, 18.3%। ROE सेम अगर आप देखोगे तो 16.1% है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। फेस वैल्यू इस शेयर का है 5 रुपीज। और अगर आप देखना चाहो कि क्या करता है वेल्सपन कॉर्प तो हम इसे गूगल करके देख सकते हैं। वेल्सपन कॉर्प इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप्स इन द वर्ल्ड। इट इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ $3 बिलियन ऑफ वेल्सपन ग्रुप। सो वेल्सपन ग्रुप की एक सब्सिडरी है वेल्सपन कॉर्प, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लार्ज डायमीटर पाइप्स की। तो अगर आप देखना चाहो कि लार्ज डायमीटर पाइप्स क्या होते हैं तो ये इसके एनुअल रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा, जो कि इसका लेटेस्ट 2021 वाला एनुअल रिपोर्ट है। तो अगर आप इसके प्रोडक्ट सेक्शन में जाओगे, ये रहा, तो इस टाइप की पाइप्स ही मैन्युफैक्चर करती है। 800 पाइप्स, LSAW पाइप्स, ERW पाइप्स, डक्टाइल आयरन पाइप्स, कोटिंग सिस्टम्स, एंसिलरी सर्विसेज। तो इसको आप और भी डिटेल्स में देख सकते हो कि किस टाइप की पाइप्स है, बट मेनली ये यूज होती है दो टाइप की इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और दोनों में ही डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, चाहे वो उसे पुराने पाइप्स को अगर सर्विसिंग करना है या फिर उन्हें नई जगह पे वाटर या ऑयल एंड गैस कनेक्ट करना है, तो उन्हें ये पाइप लगता ही लगता है। और अगर आप देखना चाहो तो इसका वॉल्यूम ब्रेकअप सेल्स के हिसाब से कैसा है, इंडिया में इसका लगभग 63% है, 25.32% सऊदी अरेबिया एंड 12.24% यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आप देख सकते हो मोर ओवर इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस है, इसके क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और ये रहा इनका क्लाइंट मैप जो कि इनका प्रेजेंस दिखाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आ जाते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स में। अगर आप प्रोज देखोगे तो कंपनी ने रिड्यूस कर रहा है अपना डेट, स्टॉक इसके बुक वैल्यू से कम वैल्यू में ट्रेड हो रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रो है। स्टॉक एक अच्छा डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 4% एक स्मॉल कैप के नज़रिए से बहुत ही अच्छा है। और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.73% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आप इस कंपनी को इसके पीएस जो मिड कैप और लार्ज कैप में आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी का भी इतना अच्छा CAGR नहीं है। अब आ जाते हैं इसके कॉन्स पे। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.30%, ये मेनली ड्यू टू आपके कोरोना के चलते हुआ है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसके पीएनएल में, सिंस एक्सपोर्ट्स रुक गए थे मोस्टली। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.56% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो ये इसका एक रीजन ये हो सकता है कि इसका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा होगा, या तो फिर इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सिंस ये अपना रिड्यूस कर रहा है डेट, तो मोस्टली इसीलिए 12.56% है। बट अगर आप देखोगे कि लास्ट ईयर इसने दिया है 16% एंड 18.3%, ये भी हम आगे चल के देखेंगे इसके रेशियोज में। कंपनी के पास कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है 2,661.70 करोड़। तो ये देख के आपको शॉक नहीं होना है, क्योंकि कंपनी के पास जितने भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है वो उसको एक ही बार में राइट ऑफ कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखोगे इसके बैलेंस शीट में इसका रिजर्व है 3,662 करोड़, जो कि एक ही बार में ये पूरा अपना कंटिंजेंट लाइबिलिटीज राइट ऑफ कर सकता है।
अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 400 करोड़। तो ये एक तरह से देखा जाए कॉन्स नहीं है, इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी सिंस इंटरनेशनल प्रेजेंस रखती है तो वो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में भी बहुत सारी डील्स करती है या फिर करेंसी डेरिवेटिव्स में डील करती होगी, तो इसीलिए इनका अदर इनकम उसी इनकम को कंसिडर करते हुए 400.31 करोड़ है। अब आ जाते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो आप अगर देखोगे लास्ट 5 क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो कंपनी का सेल्स उतना खास कुछ बढ़ा नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। बट इसी को अगर आप कंपेयर करोगे ईयरली रिजल्ट्स के साथ तो आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर साल इसका सेल्स में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स 5,669 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर के सेल्स के लगभग 1,000 करोड़ कम है, लगभग 800 करोड़ कम है आप बोल सकते हो, जो कि अभी 2 क्वार्टर में ये शायद इसे अचीव भी कर ले। अगर आप इसकी नेट नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है हर क्वार्टर में, चाहे वो कोरोना हो या ना हो, आप देख सकते हो हर जगह इसका क्वार्टरली प्रॉफिट पिछले इससे इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही एक्सपोर्ट रिलैक्सेशंस और भी आ जाएंगे, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो इसकी और भी प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है। अगर आप इसका ईपीएस देखते हो, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर बीच में इसका डाउन था, मे बी ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अपने कैपिटल बहुत ज्यादा ही अपने कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा था, बट अभी इसका ईपीएस भी सुधर रहा है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, एंड इस साल इसका ईपीएस 20.25.47 तक हो सकता है। डिविडेंड पे आउट अगर आप देखोगे तो ये हर साल ठीक ही डिविडेंड पे आउट मेंटेन करता है, बट नहीं पता मतलब ये दे भी सकता है डिविडेंड, नहीं भी दे सकता है मोस्टली। अगर आप इसे बैलेंस शीट में देखोगे तो इसके पास रिजर्व्स जो है इसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अभी फिलहाल इसके पास रिजर्व्स है 3,662 करोड़, जिसके अगेंस्ट बोरिंग 829 करोड़ जो कि बहुत ही कम है, और अदर लाइबिलिटीज 1,880 करोड़। और अगर आप एसेट साइड में देखना चाहो तो इसके फिक्स्ड एसेट अराउंड 1,614 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 1,702 करोड़ है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 142 करोड़ है, एंड अदर एसेट इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स एंड ऑल 3,043 करोड़ है। अब आ जाते हैं इसे कैश फ्लोज में। तो अगर आप कैश फ्लोज भी देख रहे होगे लास्ट 5 ईयर्स, तो इसका कैश फ्लो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि आप अगेन एक इसके पीयर जो है मिड कैप या लार्ज कैप उससे भी आप कंपेयर करके देख सकते हो। फिर आ जाते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इसने अपने कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है इन अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप वो भी देख सकते हो क्योंकि लगातार इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये फिक्स मोस्टली फिक्स्ड एसेट परचेज करने में ही जा रहा है, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट परचेजेस भी इसने किए हैं। अब आ जाते हैं इसके नेट कैश फ्लोज, तो नेट कैश फ्लोज इसके अभी फिलहाल नेगेटिव है जस्ट बिकॉज रीपेमेंट ऑफ बोरिंग अगर आप देखोगे तो ये उसी में ज्यादा कैश दे रहा है अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू, जिसके कारण ये नेगेटिव है। बट अगेन सिंस अगर कंपनी एक बार अपने आप को डेट फ्री कर ले तो मतलब फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट वो आपको नेट प्रॉफिट में दे सकता है। अब आ जाते हैं इसके कैश कन्वर्जन साइकिल में, मतलब प्रोडक्ट बेचने से लेकर कब तक इसके हाथ में कैश आता है, तो लगभग इसको 100 डेज लगता है पूरा इस कन्वर्जन साइकिल में। बट आप अगर इसके आरओसी देखोगे फॉर द लास्ट 5 ईयर्स अगेन, तो इसका आरओसी मेंटेन्ड है बहुत ही अच्छे एवरेज से, और रिसेंटली इसका आरओसी है 118%। फिर आप आ जाते हैं इसके स्टेक्स में, लगातार इस कंपनी में इसके प्रमोटर स्टेक्स बढ़ा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब प्रमोटर इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स बिजनेस। और अभी हाफ इस कंपनी के हाफ शेयर्स इस प्रमोटर के पास है। एफआईआई के इन्वेस्टमेंट अराउंड 9% है और डीआईआई के इन्वेस्टमेंट 7.41% है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 33.52% की ओनरशिप है। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है डीआईआई में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एलआईसी बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो कि इसकी 3.49% शेयर होल्डिंग रखती है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में गोल्डमैन सैक्स इंडिया लिमिटेड, ये भी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बैंक है जो कि इसमें 1.20% की स्टेक रखती है।
अब आ जाते हैं इसके FCFF और FCFE वैल्यूएशन पर। इसके वैल्यूएशन से पहले हम देख लेते हैं कि फ्री कैश फ्लोज इसमें कितना है। तो मैंने इसका फ्री कैश फ्लोज निकाला है तीन फॉर्मूले यूज करके, एबिट फॉर्मूला, एबिटा फॉर्मूला एंड नेट इनकम फॉर्मूला। तो अगर आप देखोगे इसकी फ्री कैश फ्लोज है यूजिंग एबिट फॉर्मूला 2631 करोड़, एबिटा फॉर्मूला 2632 करोड़ और नेट इनकम फॉर्मूला के थ्रू है 2682.5 करोड़, जो कि आपको दिखाता है कि कंपनी के पास अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज से सब इसके एक्सपेंसेस कवर करने के बाद कितना फ्री कैश बचता है इसके हाथ में। और मैंने आप सिर्फ 2021 और 2022 सॉरी 2021 एंड 2020 वाले डेटा के थ्रू ये किया है। अब आ जाते हैं इसके टर्मिनल वैल्यू, जो कि आप बोल सकते हैं एक तरह से इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो हमें बताएगा कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है इंट्रेंसिक फॉर्म में। तो अगर आप देखोगे ये मैंने कांस्टेंट कुछ वेरिएबल्स लिए हैं और मैंने 2018 से 2022 तक का इसमें एस्टीमेशन किया है। तो आप देखोगे इसका इक्विटी वैल्यू आ रहा है 211.46 रुपीस और इसका करंट मार्केट वैल्यू है अराउंड 135 रुपीस। तो देखा जाए तो इसमें अपसाइड बनता है 76 to 80 रुपीस का, जो कि एक इसको अपने इंट्रेंसिक फॉर्म में लेके आएगा। बट अगेन ये इंट्रेंसिक फॉर्म में रहेगा नहीं बहुत दिन तक, ये कम से कम 300-400 रुपए तक जाएगा। तो ये अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं इस डाउन मार्केट में तो फिर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह किसी और कंपनी का भी वैल्यूएशन करूं तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए। टिल देन थैंक यू।